समूह, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही इसे लोग नंद का पुत्र समझते थे, यही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है महाराज, यदि ये सत्य है कि ये देवकी की आठवीं संतान है तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात। आप हमें से जिसे आज्ञा देंगे ये काम वही कर देगा। नहीं चलो, नहीं, तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है, और पूतना। हाँ, पूतना, अकाशुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मन वंचित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। मथुरा नरेश की जय हो, क्या आज्ञा है महाराज? पूतना, पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दे, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ, और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है, कहते हैं उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है ये वही बालक है।